तो फ्रिक्शन में आज हम लोग थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम वाला डिस्कस करेंगे। थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम जो कि एचसीवी पर एचसीवी में क्वेश्चन नंबर 23 में है। फ्रिक्शन का 23 नंबर सवाल है। और सवाल क्या है? ये सरफेस है, इसके ऊपर ब्लॉक्स रखे हुए हैं। जो पहला ब्लॉक है वो 7 kg का है। कितना केजी का है? 7 kg का है। जो दूसरा ब्लॉक है वो 3 kg का है। और जो तीसरा ब्लॉक है वो 2 kg का है। ठीक है, इसके तीन पार्ट है सवाल के। तो पहले पार्ट में हमने फोर्स कहां पे लगाया है? 2 kg वाले पे फोर्स लगाया है। कितना का? 10 N का। और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहां का 0 है, यहां का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3 है। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। और यहां का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2। ये लोग जो है तो अरे उधर के कुछ बच्चों पहचानते हो? तो ये 2 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक और ये 7 kg का ब्लॉक है। ये 2 kg, ठीक है। और सब जगह का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमें दिया हुआ है। थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम को कॉन्सेप्ट से नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग। हम लोग वही मेथड देखेंगे कि हम लोग मान लिए कि तीनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। तो हम लोग मान लिए कि तीनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं कॉमन एक्सप्रेशन से। ये हम लोग लेट किए, हम लोग क्या किए हैं? लेट। तो भाई इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन तो हमारे काम का है नहीं। सीधा सीधा यहां का फोर्स F और यहां का फ्रिक्शन कितना है? जीरो। यहां का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ही 0 है। तो कॉमन एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? 10 - 0, 10 नेट फोर्स बाय टोटल मास 3 × 2 = 5 = 7 = 12 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया ना? हम लोग चेक करेंगे कि ये बात पॉसिबल है कि नहीं। तो हम लोग सब जगह का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 4 N 0.2 into इसके का ऊपर का वेट 20। और यहां के का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना? फ्रिक्शन कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू? 0.3 के ऊपर का मास 50, तो 15 N। ठीक है, अब सिर्फ 2 kg वाले का एक वीडियो बनाइए। सिर्फ इसका एक वीडियो बनाइए जिस पर फोर्स लगे ना, आप पहले उसी का एक वीडियो हमेशा बनाया करिए। क्या मैंने सिखाया? जिस पर फोर्स लगे पहले उसी का एफबीडी बनाया करिए। तो 2 kg वाले पे फोर्स आगे लग रहा है 10 N का, तो इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी भी आगे की तरफ होगा। जिस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा उस फ्रिक्शन को हम F1 कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और F1 का ही मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 4 N। ठीक, इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इतना ही होगा। कितना? 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके लिए इक्वेशन लिखिए, ये ब्लॉक आगे चल रहा है, क्या इक्वेशन लिखेंगे? 10 - F1 = मास into 5/3 हो, F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 - 5/3 मतलब 25/3 N, मतलब 8.33 N। मतलब साथ साथ चलने के लिए इस ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन 8.33 N का होना चाहिए, लेकिन इस सरफेस पे लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? और यहां कितना चाहिए? क्या ये पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कि ये ब्लॉक इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकता। अगर ये ब्लॉक इस सिस्टम के साथ, तो ये अलग चलेगा, और ये अलग चलेगा इसका मतलब ये ब्लॉक स्लिप करेगा, और अगर ये ब्लॉक स्लिप करेगा तो इस पर फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा जो कि मैक्सिमम के बराबर होगा। तो हम लोग कहेंगे हेंस ये 2 kg वाला ब्लॉक जो है ऊपर वाला, उस पर इधर फोर्स लगेगा 10 N,
और उस पर इधर पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा एफ वन मैक्सिमम लगेगा कितने के बराबर तो इसका एक्सेलरेशन कितना एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 6 बाई 2 3 मीटर पर ये तो अपर वाले ब्लॉक सबसे ऊपर वाले ब्लॉक का निकल गया ठीक अब नीचे में भी हमारे पास कितने ब्लॉक हैं अब हमारे पास क्या सिचुएशन बना अब सिचुएशन ये बना कि ये सरफेस जिसमें एक ब्लॉक नीचे पे है 7 केजी इसके ऊपर एक ब्लॉक 3 केजी का है और ये 3 केजी वाले ने ही फ्रिक्शन लगाया 4 न्यूटन ना बोलो भाई इस 2 केजी और 3 केजी के बीच का ही फ्रिक्शन है कितना ना तो यही दोनों ब्लॉक तो एक दूसरे पे लगा रहा होगा तो 2 केजी पर पीछे के तरफ फोर्स 4 न्यूटन किसने लगाया है तो इसका मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड सो 2 केजी वाला 3 पर फोर्स कर लाएगा फ्रिक्शन इधर लाएगा फ्रिक्शन तो अब सिस्टम ऐसा हो गया अब सिचुएशन ऐसा हो गया कि इस सिस्टम पर आगे की तरफ इधर फोर्स लग रहा है कितना अब आपको बताना है कि इनका एक्सेलरेशन क्या होगा फिर से हम लोग मानेंगे कि या तो दोनों ब्लॉक या तो चलिए चेक करते हैं यहां का फ्रिक्शन 0 अब मुझे इन दोनों के ब्लॉक के फ्रिक्शन से मतलब तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा ए कॉमन कितना हो जाएगा बताइए 4 माइनस 0 4 बाई 10 कितना हो गया 0.4 मीटर पर ये हमने लेट किया है ये हमने क्या किया है लेट किया है अगर हमने ऐसा लेट किया तो अब सही भी हो सकता है ये बात क्या तो फिर से हम लोग एफबीडी बनाएंगे सिर्फ एक के का किसी का मान लीजिए 3 केजी का जिस पर फोर्स लग रहा है जिस पर आगे फोर्स कितना लग रहा है 4 न्यूटन यहां फ्रिक्शन लगेगा ये 2 केजी ये 3 केजी पर आगे लगेगा फ्रिक्शन ये 4 न्यूटन ये ब्लॉक आगे स्लिप करेगा तो 7 केजी वाला 3 केजी पे फ्रिक्शन F2 कितना और इसका एक्सेलरेशन यही है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है लिखिए इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे 4 माइनस F2 इज इक्वल्स टू मास इनटू F2 कितना आया 2.8 न्यूटन कितना आया क्या ये पॉसिबल है हाँ है F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी यहाँ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और अभी कितना चाहिए इसके लिए ये तो लग सकता है दिस इज पॉसिबल दिस इज और इसका मतलब कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे कितने से हेंस एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ 7 केजी इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर तो तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकल गया कि नहीं निकल गया पहले वाले का हो गया 3 दूसरे का हो गया बाकी दोनों का हो गया 0.4 बात समझ में आया तो पहले हम लोग हमेशा मानते चलेंगे कि तीनों साथ साथ चल रहे हैं फिर चेक करेंगे हर जगह ठीक है अब ये सवाल का ए पार्ट था बी पार्ट इस सवाल का है कि ये फोर्स कहां लगा दीजिए और फिर से निकालिए चलिए बी पार्ट करते हैं मिडिल वाले पे लगा के देखते हैं ये सरफेस पहला ब्लॉक ये रहा कितना केजी का 7 केजी का दूसरा ब्लॉक ये रहा कितना केजी का 3 केजी का और तीसरा ब्लॉक ये रहा कितना केजी का 2 केजी का अब हम सिर्फ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लिख रहे हैं यहां का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है एफ मैक्स 1 कह रहे हैं जिसको ये 4 न्यूटन है और यहां का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स 2 15 न्यूटन है और यहां का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 0 है और इस बार फोर्स इस 3 केजी वाले पे लगा रहे इधर की तरफ 10 न्यूटन ठीक तो मान लिया कि ये तीनों ब्लॉक क्या करेंगे साथ साथ चलेंगे तो फिर से कॉमन एक्सेलरेशन लिखिए फिर से जैसे ही आपने सिस्टम माना तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन नहीं दिखाएंगे एक्सटर्नल फोर्स 10 और यहां का फ्रिक्शन तो 0 है तो कितना हो जाएगा 10 बाय टोटल मास सिस्टम का 12 2 से कटा 5 बटा
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया कॉमन एक्सेलरेशन। अब सिर्फ किसी एक बॉडी का एमपीडी बनाइए आप, किस पर पहले बनाएंगे आप पीडी? 3 केजी पे बनाएंगे। अब देखो इस 3 केजी का बना रहे हैं, इस 3 केजी पर फोर्स 10 न्यूटन आगे लगेगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा यहां, बस 3 केजी पर 10 न्यूटन का फोर्स आगे लगेगा तो इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी आगे होगा, तो यहां 7 केजी वाला भी इस 3 केजी पर फ्रिक्शन पीछे लाएगा F2, और ये 2 केजी वाला भी 3 केजी फ्रिक्शन पीछे ही लाएगा F1। बोलो ठीक है, इसका स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगा? आगे। इस पर दोनों ब्लॉक की वजह से फ्रिक्शन पीछे लाएगा। इसका एक्सेलरेशन कितना लिखोगे? ये हम लोग लेट किए हैं, ए कॉमन कितना 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? बोलो इक्वेशन इस ब्लॉक के लिए। ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो 10 माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5/2। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि F1 और F2 दोनों दो वेरिएबल हैं। अब लोग सिर्फ 2 केजी पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, सिर्फ 2 केजी वाले का एफबीडी बनाइए, सिर्फ 2 केजी वाले। ये 2 केजी वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, ये तो पूरा सिस्टम चल रहा है इधर की तरफ, तो ये 2 केजी वाला भी चल रहा है आगे की तरफ कितने से 5/6 मीटर पर। इसको कौन चला रहा है? इन दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन। अब देखो इस 2 केजी वाले ने 3 केजी पे फ्रिक्शन किधर लगाया है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड, सो 3 केजी वाला 2 केजी पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा? आगे F1। ठीक है, और ये F1 हम निकालते हैं इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखिए, ये आगे चल रहा है ना, तो F1 बताओ क्या लिखेंगे? F1 इज इक्वल्स टू मास इनटू 5 बाय मतलब 1. ये पॉसिबल है कि नहीं है? दिस इज पॉसिबल, दिस इज व्हाई, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना है? ये पॉसिबल है। और अगर F1 आ गया तो हम लोग F2 भी निकाल सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 F2 is equals to क्या लिखेंगे? 10 minus 5 by 2 minus F1 लिखेंगे ना? F2 इधर भेज दी, बाकी इधर भेज दी, और F1 कितना है? 5 by 3, 10 minus 5 by ये हो गया 15 by 2 minus F1 5 by 3, तो LCM लेंगे तो ये होगा 6, ये 15 या 45 minus 10 35 by 6 6 30 50 6 48 5.8 न्यूटन आया F2 का वैल्यू। ये पॉसिबल है कि नहीं है? है, क्योंकि F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? दिस इज आल्सो पॉसिबल, दिस इज आल्सो पॉसिबल, मतलब कहीं पर भी हमारा एजम्पशन रॉन्ग, दोनों जगह फ्रिक्शन जितना होना चाहिए था उतना आ गया, इसका मतलब हमारा एजम्पशन बिल्कुल। हेंस देयरफॉर सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ 7 केजी इज इक्वल्स टू 5/6 मीटर पर। आया बात समझ में? अब तीसरा पार्ट करिए, नीचे वाले पे दिखा के निकालिए। सी पार्ट चलो, सी पार्ट में देखिए, फिर से ये सरफेस बनाया, इस पे एक ब्लॉक दिखाया, कितना किलो का ब्लॉक? 7 केजी का। इसके ऊपर में कितना किलो का ब्लॉक? और देखो उससे पूछे कि बताया, बोला मुरी ला रहा नहीं, और उसे कॉपी दे, उस डायग्राम भी नहीं बनाया है, बनाया डायग्राम झूठ बोलता रे, कितना किलो का मास इसका? 3 किलो का, बगल और पड़ोसी बता रहे बोल 3 किलो का। हाँ ये दादा IIT में जाएगा, अरे है सपना मत देखो यार, कि 2 किलो जाएगा। फ्रिक्शन बताओ, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना? यहाँ का अब फोर्स लगा रहे 7 केजी वाले पर कितना, तो क्या मानेंगे हम लोग? मान लिया तीनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे कॉमन एक्सेलरेशन से, तो
कितना कॉमन एक्सलेशन 10 माइनस इधर तो 0 है बोलो तो 10 माइनस 0 बाय टोटल मास 12 5 बाय 6 मीटर पर। अब चेक करेंगे कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। जिस पर फोर्स लग रहा हो पहले उसी का एक्टिविटी बनाइए। इस 7 ये 7 केजी वाला किधर चल रहा है आगे, उसका स्लिपिंग आगे हो रहा है तो इस 7 केजी वाले पे फोर्स लग रहा है आगे 10 न्यूटन। ये जो सरफेस है ये सरफेस इस पर फ्रिक्शन पीछे लाएगा 0 और यहां वाला ब्लॉक भी इस पर फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन को F2 कह रहे हैं और ये हम लोग को निकालना है। और चेक करेंगे फिर इसका एक्सेलरेशन किधर है आगे कितना 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक आगे चल रहा है इसके लिए इक्वेशन लिखिए, क्या लिखिएगा 10 माइनस F2 इज इक्वल टू 7/35/6 तो F2 कितना आ जाएगा 5/6। ये पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है और उतना लिख नहीं रहा है, पॉसिबल है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो 15 है तो बहुत कम आएगा। अच्छा 25/6 आएगा, हाँ तो ये भी पॉसिबल होगा, 6×24 ही आएगा, 4 ही आएगा तो 15 है। ये 7 केजी का हो गया। अब चलो 3 केजी का एफबीडी बताओ, 3 केजी पर क्या होगा। देखो 7 केजी वाला आगे चल रहा था तो 3 केजी वाले ने 7 केजी पे फ्रिक्शन, तो 7 केजी वाला 3 केजी पे फ्रिक्शन यहां आगे लगाएगा F2 जिसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना 25/6 न्यूटन। और ये ब्लॉक आगे चल रहा है कितने से 5/6 मीटर पर। जब ये 3 केजी वाला आगे चलेगा तो 2 केजी वाला इस 3 केजी पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा F1 है ना, और 3 केजी वाला 2 केजी पे फ्रिक्शन वही फ्रिक्शन इस 2 केजी वाले को चला। इसके लिए इक्वेशन लिखो फिर से, आगे चल रहा है तो क्या लिखेंगे इसके लिए इक्वेशन 25/6 माइनस F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5/2। तो F1 का वैल्यू हो जाएगा, ये इधर आके एलसीएम लेंगे तो 6/25 - 15 तो 10/6 मतलब 5/3 न्यूटन। पॉसिबल है कि नहीं है, है क्योंकि 4 न्यूटन लग सकता है तो 2 से भी कम है। देयरफॉर सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ 7 केजी। ठीक है, समझ गए। तो ये था सी पार्ट इस सवाल का। अब एचसीवी में देखिए, एचसीवी में देखिए जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो आप बना सकते हैं, 25 भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में एक बात जान लीजिए, इसमें एक टर्म लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज। तो अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड होता है किसी चार्ज की वजह से फील्ड होता है। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो और इस रीजन में कोई चार्ज रख दे, यहां पे अगर कोई चार्ज रख दे प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पर फोर्स लगाता है, क्या करता है फोर्स लगाता है, जिस फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है क्यू इंटू ई। तो इस बात का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 26 में, ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करके बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 28 शायद एचसीवी के लॉज ऑफ मोशन का और फ्रिक्शन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 28 अगर आप कर लिए तो पूरा लॉज ऑफ मोशन आपका रिवाइज हो जाएगा। ये एडवांस सीरीज में बनाया हुआ है, लॉज ऑफ मोशन का जो एडवांस सीरीज है जिसमें हम लोग लॉज ऑफ मोशन रिवाइज किए हैं वहां बनाया हुआ है L4 में, वहां आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग 29, 30, 31 करेंगे, 29 पहले करिए फिर 30 और फिर 31, एचसीवी का ये 3 सवाल करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी इज पुश्ड अगेंस्ट, क्वेश्चन नंबर 29, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी, एक ब्लॉक है इसका मास कितना है, इसको हम लोग पुश कर रहे हैं, जैसे ये आप वॉल समझ लीजिए,
इस वॉल पर एक ब्लॉक को क्या कर दिया है, पुश कर रहा है। ये ऐसा डायग्राम है, ये एक ब्लॉक है, आप समझिए ये ब्लॉक ऐसे है और इस ब्लॉक को हम इधर से क्या कर रहे हैं, पुश करके रखे हुए हैं। पुश नहीं करेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा ना। तो आगे क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। इस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, 40 न्यूटन से इसको पुश कर रहा है। ठीक, तो क्या होगा अगर आप देखिए ये जो ब्लॉक इसको अगर पुश कर रहे हैं, अगर हम लोग इसका एक बीडी बनाए तो हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये सरफेस इस पर नॉर्मल किधर लगा रहा होगा, इधर इस फोर्स के अपोजिट लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा, और इस ब्लॉक पर एमजी किधर लग रहा होगा, तो इसका हम लोग एफबीडी यहां बना के दिखा रहे हैं। देखिए इस ब्लॉक पर एमजी किधर लग रहा होगा, नीचे। ठीक है, कितना लग रहा होगा एमजी, 20 न्यूटन, और इस पे नॉर्मल इसी के अपोजिट लग रहा होगा, लग रहा होगा ना एन। समझ रहे डायग्राम, और क्या कह रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बीइंग 0.5, यहां का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, 0.5 है। Another horizontal force of 15 newton is applied on the block in the direction parallel to wall. इस पर एक horizontal force लगा रहे हैं जो कि इस wall के parallel है। जैसे ये wall है ना ऐसे, तो ये block था हमारा, ये block था, इस block पर ऐसे parallel मतलब इधर की तरफ force लगा रहे हैं। Wall के parallel, देखो wall ऐसे है, ये हमारा board wall, समझिए उसके parallel force लगा रहे हैं, ऐसे force लगा रहे हैं, horizontal और parallel। तो ये force ऐसे लग रहा है, वॉल के हॉरिजॉन्टल और पैरेलल ऐसे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डायग्राम को इतना 3D में नहीं दिखा रहे, 15 न्यूटन है, हम इस डायग्राम को इतना 3D में नहीं दिखा रहे, इस चीज को जो ऐसे दिख रहा है आपको उसका सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखा रही है। सामने से, सामने से आपको क्या दिखाया गया, एक ब्लॉक, बोलो, जिसका एमजी किधर लग रहा होगा, कितना, इधर हॉरिजॉन्टल फोर्स 15 न्यूटन, इस पर नॉर्मल इधर आउटवर्ड, उसको हम डॉट से लिखें, बोलो, और इस पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं ऐसे पुश कर रहे हैं वो किधर की तरफ, अंदर की तरफ, तो क्रॉस से कितना फोर्स, किसी भी कीमत पे ये ब्लॉक दीवार फाड़ के अंदर तो नहीं चला जाएगा मेरा स्मार्ट बोर्ड फाड़ के, या अगर रुका हुआ है तो हवा में तैसे उधर आने नहीं लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्सेस क्या रहेंगे, तो नॉर्मल का वैल्यू कितने के बराबर, नॉर्मल का वैल्यू कितने के बराबर, तो इस सरफेस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 0.5 इनटू 40, 20 न्यूटन। तो इस सिस्टम को रोकने वाला फोर्स कितना है और चलाने वाला फोर्स कितना है, चलाने वाला फोर्स 15 थोड़ी है, ये 15 और 20 का रिजल्टेंट जो होगा वो उसको चलाएगा, है ना, ये 15 तो इसको इधर चलाना चाहेगा और 20 उसको, इस दो फोर्स का रिजल्टेंट किधर होगा, ऐसे दो फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो ना, मूविंग एफ जो मूविंग करवाना हो वो फोर्स कितना लगेगा, 15 आई कैप माइनस, इसको वेक्टर डायग्राम में बनाओ, ये हो गया वेक्टर डायग्राम, 15 इधर की तरफ आई कैप, ये लगा दिए 15 और 20 नीचे इधर, तो इसका नेट किधर होगा, यस यस, ठीक है, नेट फोर्स इधर की तरफ रहेगा, कितना होगा नेट फोर्स, अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, तो ये कितना होगा, तो इस ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक है इसको इधर चलाने वाला फोर्स कितना है, 25, और फ्रिक्शन तो स्लिपिंग के अपोजिट लगता है, तो ये ब्लॉक इधर स्लिप करना चाहेगा, तो इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, पीछे, और फ्रिक्शन का औकात कितने का है, तो ये ब्लॉक चलेगा कि रुका रहेगा, चलेगा, इधर लग रहा है 25, फ्रिक्शन कितना लगेगा, मैक्सिमम भी लग जाएगा 20 न्यूटन, तो भी ये ब्लॉक चलेगा ना, इधर चलेगा इसी डायरेक्शन में, बोलो कितने एक्सलेशन से, तो 25 माइनस 25 हो गया नेट फोर्स बाय मास 2, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने एक्सलेशन चलेगा, और किधर चलेगा,
तो आप चाहो तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल भी बता सकते हो, ये थीटा कितना होगा। तो इस ट्रायंगल से देखो ये लेंथ 15 है, ये लेंथ कितना है 20, है ना जी। तो टेन थीटा कितना लिखेंगे, 20/15 मतलब 4/3 बोलो। तो थीटा कितना 53 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पे ऐसे चलेगा, कितने एक्सटेंशन से। ये थोड़ा 3D में डायग्राम था जो आपको समझने में 29 नंबर में दिक्कत होता है, ठीक लिखिए। चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग, 30 नंबर। देखो एच सी वर्मा सर ना जो क्वेश्चन बनाए हैं बहुत रियल लाइफ बेस्ड, देखे बुक देखे, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो एक आदमी है और वो आदमी एक कुआं में जा रहा है, ठीक है, और ये कुआं में अपने आप को देखो टिका के रखा है। है ना, तो दो पैर है ये, दो हाथ क्या अच्छा नहीं बन पाया। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, ठीक है ना। तो ये जो आदमी है, पहले इसका थोड़ा रिलेवेंस सीखो, सोशल रिलेवेंस सीखो। हमारे समाज में मैनुअल स्कैवेंजिंग, सॉरी क्या बोलते हैं, मैनुअल क्लीनिंग, स्कैवेंजिंग बोल रहा है, मैनुअल क्लीनिंग जो है वो बैंड है। जो वॉशरूम होता है, बाथरूम होता है, उसका जो टंकी होता है उसको मैनुअली क्लीन करना बंद कर दिया गया है, बैंड है, कुरीति है, और समाज के एक सेक्शन को ही करना पड़ता है, लोअर कास्ट को जनरली। तो ये हमारे समाज में बैन कर दिया गया, और वे बैक बहुत पहले से ये बैंड है, बहुत कड़ी सजा है उसके लिए, फिर भी आज बहुत जगह होता है और मजबूरी में लोग अंदर जाते हैं। तो वो जो टंकी होता है उससे बहुत खराब पॉइजनस गैस निकलता है और बहुत बार उनकी मृत्यु हो जाती है इस वजह से। हर साल लगभग 100 से ज़्यादा लोग इससे मरते हैं, और वो ऐसे ही इसी अवतार में उसमें जाते हैं। मतलब मैंने देखा है, जिस दिन मैं देखा तो रो गया था। अब तो खैर इतना टेक्नोलॉजी हो गया है कि ऐसा जरूरत नहीं पड़ता, मशीन्स आते हैं, मशीन्स के हेल्प से वो क्लीनिंग हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग जानकारी के अभाव में ऐसा करवाते हैं और करते भी हैं, 2-4 पैसा के लिए किसी इंसान को जिंदगी गंवाना पड़े। और जो करवाता है वो तो सबसे बड़ा दोषी है, पढ़ लिख करके अगर करवा रहा है तो अगर अपने आसपास आप कभी ये सिचुएशन देखें, एक अभी पिक्चर भी आई थी इसके ऊपर, आर्टिकल 15, 4-5 साल पहले आई थी, 3 साल पहले, उसका आयुष्मान खुराना का आर्टिकल 15 है ना, तो हाँ देखिएगा वो इसी के ऊपर है। तो अगर आपके आसपास कभी ऐसा नौबत आए तो आप एक जागरूक नागरिक की वजह से जरूर इस बात को उठाएं कि उसको ऐसा ना करने दें। उसको 100 रुपया अपने हाथ से आप दे दीजिए, लेकिन उसको ऐसा जिंदगी मौत से खेलने ना दें। एनीवे हम लोग सवाल पे आते हैं। सर सोशल सिग्निफिकेंस ये था, जो एच सी वर्मा सर बहुत सोच समझ के किताब बनाए हैं, और हर क्वेश्चन का जो सोशल सिग्निफिकेंस है वो हम लोग जरूर सीखें, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ फिजिक्स पढ़ के ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको जिंदगी नहीं जीनी है, आपको व्यवहारिक ज्ञान के साथ भी जिंदगी जीनी है, और नॉलेज का यही महत्व। तो सवाल यह है कि एक 40 kg का आदमी है, ठीक है 40 kg का है ना, तो इस 40 kg का आदमी है तो इस पर mg कितना नीचे लगेगा जी, 400 न्यूटन। और देखो क्या करेगा, ध्यान से देखो, सुनो, ये आदमी इधर हाथ से और पैर से फोर्स लगाएगा, हाथ पैर से मिला करके फोर्स हम F लगा दिए, ठीक है, और इधर जो इसका पीठ होगा उससे भी इधर फोर्स लगेगा पीछे, ठीक है। ये फोर्स किसने लगाया है, आदमी ने, किससे लगाया है, तो हमें ये फोर्स तो दिखाना ही नहीं है क्योंकि हम लोग FBD आदमी का ही बना रहे हैं। तो हम लोग जिस बॉडी का FBD बनाते हैं उस बॉडी द्वारा लगाए गए फोर्स नहीं दिखाते, उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स दिखाते हैं। हम इस फोर्स को मिटा रहे हैं, इस फोर्स को हम मिटा रहे हैं, और कह रहे हैं कि क्योंकि आदमी ने वॉल को इधर पुश किया इसलिए वॉल इस आदमी पर फोर्स आएगा, बोलो
फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. पीठ से पीछे इधर पे फोर्स किया था इसलिए बॉल इस आदमी पे फोर्स इधर लगाया. बोलो. और यही फोर्स नॉर्मल जैसा है, ये फोर्स किसके जैसा है? तो इसके वजह से यहां फ्रिक्शन क्रिएट होगा. ये पैर हाथ पे मिला करके बात कर रहे हैं, म्यू इंटू एन के बराबर, और एन क्या है? एफ. यहां भी म्यू इंटू एफ. आप हमसे ये पूछ सकते हैं सर ये दोनों एफ आप बराबर कैसे लिए? दोनों एफ बराबर क्यों लिए, अलग अलग क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये आदमी इधर उधर तो जा नहीं सकता, तो इस आदमी पर लगने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या होने चाहिए? तो इसलिए इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स क्या लिए हम? और इस आदमी पे दो जगह मतलब तीन जगह लग रहा है, लेकिन हम दो दिखाए. एक तो इधर वाले साइड फ्रिक्शन लग रहा होगा और यहां भी लग रहा होगा, यहां भी लग रहा होगा. तो इन दोनों का फोर्स हम एफ दिखाए थे ना, इसलिए फ्रिक्शन भी एक ही दिखाए. बात समझ रहे हैं? समझ गए सब लोग? अभी आदमी रुका हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.8. म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो आपको बताना है एफ कितना होगा. नॉर्मल एग्जर्टेड बाय आइदर वॉल ऑन द पर्सन. तो एम जी नीचे, नॉर्मल ऊपर, एमजी हो गया, सॉरी एमजी नीचे, फ्रिक्शन ऊपर. तो नीचे हो गया 400 और ऊपर कितना हो गया 2 म्यू एफ. 2 म्यू एफ. तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 बाय 2 म्यू, 200 बटा 0.8, मतलब 2000 बटा 8. 2000 बाय 8 कितना होगा? 1000 बटा 4, मतलब 250 न्यूटन. कितना न्यूटन होगा?